नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीजी हिमाचल पे। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। अब पे कमीशन से हटेंगी विसंगतियां, नए पे कमीशन में सामने आई विसंगतियों को दूर करने के लिए काम शुरू। हिमाचल में लागू नए पे कमीशन में सामने आई विसंगतियों को दूर करने के लिए काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री को अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों और कुछ शिक्षक संगठनों की तरफ से कई ज्ञापन मिले हैं। ये ज्ञापन अब मुख्य सचिव से होते हुए वित्त विभाग तक पहुंच गए हैं। गुरुवार को वित्त विभाग की शाखाओं में इन पर काम शुरू हो गया है। हालांकि अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना के कोरोना से रिकवर होने के आने के बाद ही बाकी चीजें होंगी। राज्य सरकार इस बारे में एक कमेटी का गठन भी करने जा रही है। हालांकि अब भी सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कर्मचारियों को विकल्प देने के लिए दी गई अवधि को एक्सटेंड किया जाए। अभी इस पर फैसला नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि राज्य के कर्मचारी पे कमीशन में 3 संशोधन की मांग कर रहे हैं। एक, पंजाब की तर्ज पर 15% का तीसरा विकल्प कर्मचारियों को दिया जाए। वर्तमान में हिमाचल में कर्मचारियों को 2.25 और 2.59 मिले हैं। हिमाचल में 2 साल के राइडर के साथ लागू हायर ग्रेड पे की शर्त के कारण हो रहे नुकसान की भरपाई की जाए। और तीसरी मांग 4914 जैसी ACPS के लिए है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार इन मांगों पर विचार कर रही है और सरकार की कोशिश रहेगी कि किसी भी कर्मचारी का नुकसान ना हो। अब वित्त विभाग इन मांगों पर विकल्प के तौर पर अपने सुझाव देगा और फिर सरकार इस पर फैसला लेगी। वर्चुअल बैठकें कर रहे हैं प्रबोध सक्सेना। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना बेशक कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन वह सारा काम कर रहे हैं। गुरुवार को भी उन्होंने वर्चुअल माध्यम से अपने ब्रांच अधिकारियों की बैठक ली। इसमें वित्त विभाग में लंबित पड़े मामलों पर फीडबैक लिया गया है और पे कमीशन तथा पेंशन रूल्स पर हो रहे काम की जानकारी भी ली गई है। राज्य सरकार ने अभी नए पे कमीशन के हिसाब से पेंशनरों को भी लाभ देना है। इसके लिए पेंशन रूल्स का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और बहुत जल्द ये कैबिनेट में जाएगा, जहां पर कैबिनेट की मोहर के बाद इसे अधिसूचित कर दिया जाएगा।